के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर कार्रवाई भी हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लगातार ऐसे मामले सामने आना एक चिंता का विषय बना हुआ है। ग्वालियर से अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान, पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव का दावा कि मध्य प्रदेश में एक महीने में हो सकते हैं चुनाव। भितरवार में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया बयान, एक महीने रुको, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोगों को कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है, सबको मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना है, किसी से भी पूछो वो कांग्रेस की वापसी चाहता है, जिन जयचंद्रों ने 2018 में चुनी सरकार को गिराया था उनसे जनता बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। लाखन यादव ने ये बयान दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा ऐसा हम लोगों को कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही, तो हम सब लोगों को मिलकर, जैसा अभी हमारे साथियों ने बताया कि हमको सबको मिलकर कांग्रेस के लिए मजबूती के साथ काम करना है। अभी मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, मध्य प्रदेश में आप कहीं भी जाके सामान्य व्यक्ति से बात करें, राजनीतिक दृष्टि से उससे बात न करें, तो आज हर व्यक्ति के मन में एक ही जिज्ञासा है कि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक है, पिछले 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस को, और कांग्रेस के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी, कुछ कांग्रेस के जयचंदों ने उस समय वोट की दम, नोट की दम पर खरीद कर ये जनादेश का जो अपमान किया है, ये प्रदेश की जनता इसका बदला 2023 में लेने के लिए उत्सुक। और अगली खबर भोपाल से, पेसा एक्ट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव का बयान, सरकार के लिए आदिवासी वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है, चुनाव से पहले एक सरकार कानून ला रही है, हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में पेसा कानून लागू किया जाए तो उसके सभी प्रावधानों को लागू किया जाए जिससे आदिवासी वर्ग को सही मायने में कानून का लाभ मिल सके। पार्टी सरकार के लिए आदिवासी वर्ग केवल और केवल वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन कभी आदिवासी वर्ग के हित में पैसा कानून लागू नहीं किया गया। यहां तक कि देश में अन्य 10 राज्यों में पैसा कानून लागू है, कांग्रेस शासित राजस्थान छत्तीसगढ़ में पहले से लागू है, अब जब चुनाव आने वाले हैं तो आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए कमजोर पैसा कानून लागू करने की बात की जा रही है। हमारी मांग है अगर मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू हो तो उसके सभी प्रावधानों को लागू किया जाए ताकि आदिवासी वर्ग को सही मामले में कानून का लाभ मिल सके। रतलाम में महापौर प्रहलाद पटेल की जुबान